देखिए सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज़ फिल्मी दीवाने पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सोनलाल जी पुलिस को बुला जाओ। हेलो, मगर तुम्हें एक और मौत का सर्टिफिकेट तैयार करना है। हेलो, वी फॉर विक्ट्री। तुम फौरन वसीयत को सही जगह पर पहुंचा दो। ओके बॉस। हेलो आर, खन्ना स्पीकिंग। वसीयत कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आगे तुम्हारा काम। हेलो बेटी आशा, तुम्हें यह जानकर दुख होगा, अभी तुम्हारे अंकल का अचानक एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए। नहीं 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 बेटा, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी। तुम Yeah.
जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो। शाम जवां यूं ना चली जाए, आती है शाम जवां यूं ना चली जाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो। बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो। देखा देखी नजर दीवानी, चुप चुप देखा देखी नजर दीवानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो। जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हमारी प्रिंसेस क्लब की सिल्वर जुबली है। खुशी के इस मौके पर क्लब ने आपके सामने बहुत से प्रोग्राम पेश किए, लेकिन सबसे दिलचस्प प्रोग्राम अब पेश किया जाएगा। अब हम आपके सामने उन खुशकिस्मत हस्तियों को पेश कर रहे हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में लकी टिकट जीते।
लकी टिकट जीतने वालों को एक खास चार्टर्ड हवाई जहाज में 2 हफ्तों के लिए मुफ्त विदेश की सैर के लिए भेजा जा रहा है। अब सुनिए उन हस्तियों के नाम। बैरिस्टर राकेश, श्री धर्मदास जी, मिस्टर किशन, मिस किडी, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा जी और मिस आशा। तो साहब, ये हैं वो 7 खुशकिस्मत हस्तियां जो विदेश की सैर के लिए जा रही हैं। मेरी दुआ है कि इनका ये सफर इनकी जिंदगी का शानदार सफर साबित हो। हेलो कैप्टन भाटी आपसे बात कर रहे हैं। अचानक इंजन में कुछ खराबी आ जाने से हमें मजबूरन हवाई जहाज को जमीन पर उतारना पड़ रहा। आप लोग घबराइए नहीं, अपनी अपनी बेल्ट कस लीजिए। हम हिफाजत से हवाई जहाज को जमीन पर उतारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, इंजन ठीक होने में तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप चाहें तो कहीं घूम सकते हैं। जगह अच्छी है। अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे कैसे? अचानक इंजन खराब हुआ और प्लेन यहाँ रुक गया। इंजन ठीक हो जाए। में मेरा कोई हाथ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं
बहुत देर हो गई, आनंद अभी तक लौट के नहीं आया। हम कितनी देर से इधर उधर भटक रहे हैं, जब हमें कोई ठिकाना नजर नहीं आया तो उस अकेले को इस अंधेरे में क्या दिखाई देगा। अगर जगह मिल भी गई तो क्या आप समझते हैं वो वापस आ जाएगा? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? जो कुछ हुआ है सब आनंद ने किया है। पता लग जाएगा। वो आ गया। कुछ पता चला? कुछ नहीं, चारों तरफ घूम कर आया हूं। आदमी आदमी की जात। अब क्या किया जाए? आराम, जिसने यहां तक पहुंचाया है आगे की फिक्र भी वही करेगा। तब तक तो मैं भूखा मर जाऊंगा, प्यास भी बुरी तरह से लगी है। लो जब तक ये पियो। राम 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 राम। धर्म से तुम धर्मदास का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। आप लोगों का मजाक सूझ रहा है, ये नहीं कि चलकर कोई जगह तलाश कर ले। कोई फायदा नहीं इस खतरनाक जंगल में। जंगल से खतरनाक तो आप लोग हैं। आप लोग यहीं बैठिए, मैं चलती हूँ। आशा और समन स्टॉप। हाँ डोंट वरी, दो नहीं तो चार कदम चलकर अपने आप वापस आ जाएगी।
आ गए? सारी पलटन आ गई क्या? तुम्हारे लोगों के इंतजार में मैं एक हफ्ते से सड़कों पड़ा था। इसका मतलब है कि तुम जानते थे हम लोग यहाँ आने वाले हैं। जाए बड़े मियाँ, तुम्हें क्या दिमाग खराब करने की बात कर रही? तुम्हें लोग नहीं आते तो क्या तुम्हारे फरिश्ते आते? जाए तुम्हारे लोगों के लिए मैं सारा इंतजाम करके रखा हूं। उतार। इंतजाम? लेकिन तुम हो कौन? मैं कुक, बावर्ची खान सामा। तुम्हारे लोगों को खाना वाला को खिलाऊंगा, तुम्हारे आराम का ख्याल रखूंगा। जाए चलो डॉक्टर साहब। करो। तुम्हें कैसे मालूम है मैं डॉक्टर? मैं बुद्धू नहीं हूं भाई। क्यों शर्मा जी, तुम मेरा नाम नहीं जानते हो? मैं सबको जानता हूं हजरत। तुम्हें मिस्टर शर्मा दाढ़ी वाले, यू नो मिस किट्टी। ओह माय गॉड, ठीक बोला ना? और ये धर्मदास धर्म से वाले। धर्म से ये सब कुछ जानता है? ये भूत है ये इंसान? थर थरी क्यों छूट रही मियां? ये पर्चे में सब कुछ लिखा हुआ है। झटके से क्या छीन रही हजरत? तुम्हारा नाम नहीं है? तुम्हारा नाम पता बताओ ना। आनंद। आनंद? तो तुम्हें भी आनंद करेंगे, तुम्हारा बंदोबस्त भी कर डालता हूं। जब आए हैं तो जाएंगे कहां? आओ मेरे साथ। अच्छे हैं भाई, आठ के आठ तगड़े। एक दो तीन चार पांच छह सात, ये आठवां मिस्टर आनंद। ये आठवें का इंतजाम भी करना है भाई। भाई बत्तूर, तुम्हें जाएंगे कितना दूर? छह महीने का रास्ता आया, नदी आई भरपूर। हफ्शा जय मेम साहब, तुम्हें अंखिया फाड़ फाड़ को क्या देख रही? इससे पहले खूबसूरत आदमी को नहीं देखे थे क्या? कुछ भी हो, आदमी दिलचस्प है। अल्लाह, यहाँ हमारी हर जरूरत का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। किचन में काफी राशन मौजूद है। क्यों शर्मा जी, हमें सारी जिंदगी यहीं रखने का इरादा क्या? मेरा इरादा तो कुछ और ही है। जय, तुम्हें लोग इरादे के जाल में क्या फंसते हो? खाने का इरादा करो भाई। ए, हमारे लिए बोटी कबाब लाओ। अच्छा साहब। ए, हमारे लिए टमाटर, ग्रीन चिल्ली, मिर्ची। अरे सुनो जी साहब, मेरे लिए सब्जी लेते हैं। जय अरे दही लाओ। क्या दही? दही दही दूध का भी देखो। पटना क्या जी? हमें खाता हूँ। अचार है? अचार हाँ, करेले का अचार है। दूम का लाखो लाखो। मेरा ख्याल है इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। जरूर। अब आदमी क्या अलग अलग फरमाइश है? कोई बकरा खाना मांगता है, कोई मुर्गा खाना मांगता है, कोई सुअर खाना मांगता है। अयो जलगा भाई, मैं क्या क्या खिलाऊंगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें टमाटर खाना मांगता कच्चा, उन्हें टमाटर का हस्त खिलाना मांगते। वाह क्या करूं। माफ कीजिए, अगर मैं भूलता नहीं तो आप सेठ सोनलाल की भतीजी हैं? जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, यूं ही पूछ रहा था। कुछ भी हो, खाना मजेदार बनाया है। वैसे तुम आदमी भी मजेदार हो। क्या मैम साहब, अब खाने के साथ मेरे को भी खाना मांगते ही क्या? वैसे दुनिया में जीने के लिए आता नहीं कौन है? तो फिर मर जा, होता बोझा हल्का होगा। अरे ये क्या, मिर्च मसाले का हिसाब?
सब्जी कहाँ है? इतने गौर से क्या पढ़ रहे हो? ये डायरी है उन मुसाफिरों के नाम जो अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल पर आ पहुंचे हैं। ये तहरीर है उनके नाम जो कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे मगर आज इस आखिरी सफर में एक दूसरे के साथी हैं। अब तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आप सब एक साजिश का शिकार हो चुके हैं और यह भी याद होगा आप सबको कि कोई आपकी साजिश का शिकार भी हुआ था। आज आप सब लोगों को जानबूझकर चुनकर यहाँ इकट्ठा किया गया है। आप सब खूनी हैं, मुजरिम हैं, गुनहगार हैं और यहाँ आप सबको आपके गुनाहों की सजा देने के लिए बुलाया गया है और वो सजा है बारी बारी आप सबकी मौत। ये सब क्या मजाक है? चिल्लाइएगा मत, घबराने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस तरह हंसते हंसते आपने गुनाह किए उसी तरह हंसते हंसते गुनाह की सजा के लिए भी तैयार हो जाइए। हम इस तरह किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आखिर क्या तमाशा है? किसने ये साजिश की? कौन है वो? सामने क्यों नहीं आता? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो? अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो? कोई और भी रहता है यहाँ? मेरे को क्या मालूम भाई, रहता होगा कोई तू भी। सच बताओ ये गाना कौन गा रही थी? तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा गा रही थी। तुम्हें चाकू दूर से बात करो जी, ये गाना सुन सुन के मेरे काना पक गए। ये बस्ती का हिट गाना है भाई ये। कभी सामने से आवाज आती, कभी पीछे से आवाज आती, कभी नीचे से आवाज आती, कभी ऊपर से आवाज आती। ऐसा लगता है ये बस्ती में कोई आत्मा भटकती है। आत्मा? ऐसी जगह रहेगा भी कौन? मुझे विश्वास नहीं होता, ये झूठ बोल रहा है, यहाँ जरूर कोई रहता है। जय मेम साहब, आज तो पहली रात, हल्लू हल्लू सब समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय, होरा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई? भूत का नाम सुने तो भूख मर गई, अगर भूत को देख लेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। काफी चालाक मालूम है। मुफ्त का माल भाई, बगैर खाओ को सब चले गए, नाश्ते में यही खिलाऊंगा। भाई बत्तूर, भाई बत्तूर, तुम्हें जाएंगे कितना दूर? 6 महीने का रास्ता आया, नदी आई भरपूर। कह चुकी हूँ रे, मुझे शराबी पसंद है मगर शराब नहीं। I am sorry, I won't drink. Then don't drink. कौन कम बस किसी को जबरदस्ती पिलाता है? ये तो मुस्कुराती हुई चीज है, मुस्कुराकर पिला और मुस्कुराकर पी, क्यों डार्लिंग? माफ करना, मैं तुम्हें डार्लिंग कह गया डार्लिंग, इसका यह मतलब नहीं कि मैं नशे में हूँ। ये तो तुम्हारी इन कॉकटेल आंखों ने बहका दिया है, वरना देखो बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, लो पियो। प्लीज मान जाओ। तुमने कहा मान जाओ, मान गए हम, लोग खुद पी लेते हैं। और देखो जर बार लगे तो घबराना नहीं, अब मैं इस सामने वाले कमरे में हूँ, जब चाहो आ जाना। डर और मुझे? डर तो हिफाजत करने वाले को होता है, लुटाने वाले को नहीं। मुझसे कोई क्या ले जाएगा?
दरवाजा जरा आहिस्ते खोला करो, हमें आदत से मजबूर है साहब, आहिस्ता काम हमारे से नहीं होता, आहिस्ता काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा, एक अनार सौ बीमार। साहब ये क्या पकड़ को रखे हैं हाथ में काला काला? ये दूरबीन है। बीन? मेरे को दो ना, मैं बजा को नाक पकड़ता हूँ। मैं ये बीन नहीं है, दूरबीन है, इससे दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। ऐसा क्या, सिकंदराबाद का कट्टा देखेगा? चलो चलो मेरे लिए चाय बनाओ। नहीं साहब, चाय ला को देना हमारा काम, बना को पीना तुम्हारा काम, उतार। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, कहाँ है तुम्हें? मेम साहब, जय मेम साहब। क्या बात है, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें अंदर रहेंगे तो मैं क्या बात करूंगा भाई, बाहर आके देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम लेके आया हूँ चाय, जल्दी आवे तो ठंडी हो जाएंगी। क्या है मेम साहब, चाय में शक्कर कितने चम्मच डालूं? दो डालूं के तीन? अभी मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही? स्विमिंग, तैरने के लिए। तैर के समंदर पार करना मांगते हैं क्या? How silly. सिल्ली। अरे वाह रे मेरी बिल्ली, सारी दुनिया हमको बोलती चाय बना को दो, लेकिन हमें बना को नहीं देते, हमें इनको बना को दिए तो इन्हों हमको बना के चले गए ना। गुड मॉर्निंग मिस किटी। गुड मॉर्निंग राकेश। स्विमिंग के लिए जा रही हो? बाय बाय। हाय चाय, क्या था, बहुत तकलीफ हो रही क्या? चाय पियो ना। मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरे लिए सुबह को नींबू पानी लाया करो। क्यों, रात को भूख क्या? बहुत समझदार आदमी है। धर्म से आप तैरने के लिए जा रही है? जी हाँ। जाइए जाइए, मैं भी आता हूँ। आपको पानी में तैरने का शौक है, मुझे तैरती हुई चीजें पकड़ने का शौक है, मेरा मतलब फिशिंग, फिशिंग। फिशिंग? तो फिर आइएगा। Try your luck. Try your luck. आहा, क्या चाल है, क्या हाल है। नाश्ता तैयार किया? क्या हौकाली आदमी है भाई ये, हैं? मेम साहब को भी देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? जा जा नाश्ता ला। जय, तुम्हें क्या नाश्ता करेंगे, पहले दांत तो घसो, बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से। जा जा। हाय, धर्म से जिंदगी में पहली बार लड़की को देखा, वहां भी पकड़ा गया। तस्वीरें खींचने का शौक है आपको? जी जी हाँ। तो फिर तस्वीरें चुराने का भी शौक होगा? जी जी। अगर तस्वीर अच्छी हो तो आंखों में चुरा कर ले जाऊं, ऐसी भी क्या बात है। बताइए कहाँ है मेरी तस्वीर? आपकी तस्वीर? देखिए शायद मेरी आंखों में हो। ओहो, मैं पूछती हूँ मेरे अंकल की तस्वीर कहाँ है? आपके अंकल की तस्वीर आपके दिल में होगी। आप हद से ज्यादा बदतमीज हैं। देखिए मैडम, बदतमीज उसे कहा जाता है जो शराफत की हद पार कर जाए। वैसे क्या सचमुच आपके अंकल की तस्वीर चोरी हो गई? तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बहुत अफसोस है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं, वरना मैं आपके साथ चलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता कि इनके अंकल की तस्वीर चोरी हो गई। शुक्रिया। जरा सुनिए तो। क्या है? शुक्रिया, अगर आपके अंकल यहाँ होते तो मैं उनकी भी एक नई तस्वीर खींच देता। शुक्रिया। बात बात पर शुक्रिया कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती, मुझे आपसे जरूरी बात कहनी है। क्या है? मैं ये कह रहा था कि ये जगह कितनी अजीब है, हमारे साथी कितने अजीब हैं।
देख ही रही हूँ। कहने को जो जी मैं कहिए, मगर इतना जरूर कह देता हूँ कि यहाँ कोई पल कोई घड़ी खतरे से खाली नहीं। अगर यहाँ कोई आपकी हिफाजत कर सकता है तो बंदा कर सकता है, यानी कि मैं कर सकता हूँ। मैं जा सकती हूँ? शौक से, कहीं आना जाना हो आओ जाओ, मगर अकेले नहीं, चलो तो साथ साथ। ये जरूरी नहीं कि हमारी मंजिल एक ही हो। आप चल के तो देखिए, शायद हमारी मंजिल एक ही हो। माय फुट! बार बार बिगड़ने से अगर पाँव बिगड़ गया तो चलना मुश्किल हो जाएगा। चार दिन आपके साथ रही तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो मेरा मुश्किल हो गया है। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो ओ नाज़नी, वो तुम्ही हो ओ महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो ओ नाज़नी, वो तुम्ही हो ओ महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, ओए ओए। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। हर अदा झूमती कयामत है, खूबसूरत बला है आफत है। पास रह कर भी दूर रहती हो, दिल को चलना पुरानी आदत है। पास रह कर भी दूर रहती हो, दिल को चलना पुरानी आदत है। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो ओ नाज़नी, वो तुम्ही हो ओ महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, ओए होए। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। से कत्ल करती हो, अपना इल्जाम हम पे धरती हो। सारी दुनिया को मार डाला है, बात पूछो तो भस्म करती हो। सारी दुनिया को मार डाला है, बात पूछो तो भस्म करती हो। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो ओ नाज़नी, वो तुम्ही हो ओ महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। सांवला रंग सबको पाया है, मेरा दिल भी तुम्ही पे आया है। मेरा मरना भी कर दिया मुश्किल, प्यार करके मुझे सताया है। मेरा मरना भी कर दिया मुश्किल, प्यार करके मुझे सताया है। एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो ओ नाज़नी, वो तुम्ही हो ओ महजबी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, आए हाय। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।
आइए धर्मदास जी, फिशिंग का बहुत शौक है आपको। आपकी शौक के मारे यहाँ खड़े हैं। देख रहा हूँ मिस किटी बहुत देर से पानी में थी। हाय अंकल। आपको बुला रही है। मुझको? जी नहीं, आपको बुला रही है। पानी बहुत ठंडा है। यहाँ थोड़ी देर और रहे तो तैरने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब तो रहना ही पड़ेगा, बहुत दूर तक जाके देखा, बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं। धर्म से फंसाने वाले ने जगह सोच के चुनी है। इधर आइए, जल्दी आइए, एक जहाज मैंने देखा है, जल्दी आइए। मैं तो अकेला गया और अकेला आया, आपने उसे देखा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो किशन कहाँ चला गया? हमें उसकी तलाश में जाना चाहिए। ना वो हमसे पूछ कर गया है और ना पूछ कर वापस आएगा। आना होगा तो खुद आ जाएगा। अगर एक आदमी लापरवाह हो गया उसके साथ, हमें तो लापरवाह नहीं होना चाहिए। आप लोग बैठे, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। क्या था? खाना लगाओ। ये लगा लगाया दिखता नहीं, क्या और कितना लगाऊं? चश्मा लगा के देख घूमिया। वो जो तुम्हें पकड़ ले गए थे ना मछली, हाँ वो तल को रखा तुम्हारे लिए। लो निकलो। दिन में तुमने कहा था यहाँ कोई पल कोई घड़ी खतरे से खाली नहीं। चलो तो साथ साथ। आप मेरे साथ चलेंगे? जी। वेरी गुड। किशन की तलाश में। स्टिल बेटर। आइए। किशन! किशन! आनंद, तुम हंसी क्यों? मैं नहीं हंसी। तो फिर ये आवाज? बटलर ठीक ही कहता था, यहाँ जरूर किसी की आत्मा भटकती है। आओ चलें। यहाँ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। किशन! आओ उस तरफ देखिए।
ये खत मुझे किशन की लाश के पास मिला था, सोचा आप सबके सामने पढ़ना ही ठीक है। लिखा है, किशन की मौत पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, वो खूनी था। उसने उस आदमी को अपनी कार के नीचे कुचल दिया जो आप सबकी साजिश का शिकार हो चुका है। उसका नाम था सेठ सोहनलाल। सेठ सोहनलाल? क्यों धर्मदास जी, आपके हाथ क्यों कांपने लगे? आप जानते हैं सेठ सोहनलाल को? मैं जानती हूँ, वो मेरे अंकल थे। ओ। कितनी अजीब बात है, आज सुबह तक किशन हम लोगों के साथ था और अब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जब पहाड़ की चोटी पर खड़ा वो जहाज को पुकार रहा था। कौन जानता था कि मौत उसे हमसे इतनी जल्दी छीन लेगी। जहां तक मेरा ख्याल है, हम लोगों ने किशन को सुबह के बाद दोबारा नहीं देखा और रात को उसकी लाश पाई गई। इसका मतलब है कत्ल शाम को हुआ। अब धर्मदास जी शाम को देर से खाने की टेबल पर लौटे थे। आप लोग गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया, धर्म से मैं सच कहता हूँ। सच तो आप अब बोलेंगे। बताइए धर्मदास जी, वो खंजर आपको कहाँ से मिला जिससे कि किशन की मौत हुई? धर्मदास जी वो खंजर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा करते थे। धर्मदास जी है ना सच? जी नहीं, ये झूठ है। मतलब ये कि वो खंजर तुम्हारा था, तुमने किशन का खून किया, तुम खूनी हो? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून। तो फिर आप साबित कर दीजिए कि आप खूनी नहीं हैं। मेरा ख्याल है इन्हें कल शाम तक की मोहलत दी जाए। मगर आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया, ये झूठ है, 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 ये झूठ है। एक गया, कितने काम के आदमी हो, धर्म से बहुत काम करते हो। काम करना ही तो हमारा काम है हजरत। सुनो सुनो। बोलो। मगर आजकल के जमाने में कौन समझता है अपनी ड्यूटी? क्या आप अपशापना कर रही हो? तुम्हें कौन सी अपनी ड्यूटी समझ रही? तुम्हें अगर अपनी ड्यूटी समझते तो बजाय बातें करने के कुछ बख्शीश देते ना। बख्शीश? ये लो। क्या बजा बजा को दे रहे भाई 10 का पत्ता? अब ये 10 के पत्ते के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? धर्म से बहुत समझदार आदमी हो। धर्मदास जी तुम्हें यहां भी धर्म को लेकर आई क्या? ये बस्ती में आना था तो धर्म को घर पे रख के आना था ना, उन्हें बेचारा थोड़ा आराम करता वहां पे। अरे बाबा, इस बस्ती में धर्म ही मुझे काम आएगा। ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, किशन को किसने मारा? किशन को किसने मारा? किशन को किसने मारा मैं कैसे बताऊं? लेकिन एक बात मेरे को मालूम है, किशन ने कंस को मार दिया था। वो किशन नहीं, किशन वो अपना। अल्लाह, उसको मेरे को नहीं मालूम भाई, लेकिन टेबल पे सारे लोग तुम्हारे नाम का वजीफा पढ़ रहे हैं। मगर मैंने किशन को नहीं मारा, मैंने किशन को नहीं मारा, मैंने किशन को नहीं मारा। जय, तुम्हें मारे कि नहीं मारे, रोते कहते हैं, थोड़ा सा सबूत दे डालो। होता अब मैं क्या सबूत दे दू? समुन्द्र की मछलियां बाहर आके कहेंगी ये हमें पकड़ रहा था, किशन को नहीं मार रहा था। क्या कर रही? तुम बोल दो ना, तुम बोल दो ना। क्या? कि हम दोनों साथ में थे, नहीं तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। जाए, सारे जहां का मातम मेरी मजार पे नको, तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी मेरे को मेरी खूबसूरत जान प्यारी। उतार। अच्छा तो मुझे ज्यादा 10 की नोट प्यारी है। मरेगा इन्हें भी, मरेगा सबको मरेगा। Thank you.
जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी थाम मुझे मैं गिरा थाम मुझे मैं गिरा लहराए दिल की लगी शोला बदन पहलू में आ जाओ ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ बादल से बरसे नशा देखी हुई है फिजा बादल से बरसे नशा देखी हुई है फिजा चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ सबूत दे ही दिया
लगता है किसी मजबूत हाथों ने इसका गला घोट दिया। हो न हो, खूनी हम में से कोई एक है। मगर वो है कौन? वो सब किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? आखिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? कौन बना तू? परेशान से हैं? नहीं तो? तो फिर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मिस्टर आनंद जी, ये गाना कौन गाता है? किसको खबर कौन है वो? गुमनाम है कोई? जी। तुम्हें विश्वास है? किस पर? आत्मा पर। बम्बई में क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अपना काम तो लोगों की सेवा करना है शर्मा जी। क्वाइट क्लेवर। थैंक यू। कातिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप बंबई में क्या करते थे? मेरी बात टाल गए? आपने भी तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया शर्मा जी। आप हमेशा सिगार ही पीते हैं। क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था। किशन की लाश के पास से एक टुकड़ा सिगार का पड़ा हुआ था। धर्मदास भी तो सिगार पिया करता था। जी हाँ, धर्मदास भी सिगार ही पिया करता था, लेकिन उसे भी किसी ने मार डाला। शर्मा जी, आखिर कोई तो है जो? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या चाहते हो कि मैं खूनी हूं? नाराज क्यों हो गए शर्मा जी? अपना काम तो अंधेरे में तीर चलाना है, कभी तो निशाने पर लगेगा। टेक केयर यंग मैन, कभी कभी अंधेरे में आदमी खुद निशाना बन जाता है। मैं कई बार कह चुकी हूँ रे, मुझे शराबी पसंद है, शराब नहीं। तुम्हारा भी जवाब नहीं। भाई जब तक हम नहीं मिले थे तब तक तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारे शराबी में कितने गुण हैं? और फिर ये बेचारी तो अभी तक तुम्हारे लिए अजनबी है, एक बार चख लो इससे भी दोस्ती हो जाएगी। तुमसे जो हो गई है ये काफी नहीं? एक से दो भले, लो पी भी जाओ, जिंदगी में जिन रंगों की कमी रह गई है ये सब पूरे कर देगी। यू क्यों नहीं कहते, पी लो शराब, हो जाओ बेहोश। और फिर मैंने दुनिया देखी है रे, उल्टे सीधे रास्ते सभी परख चुकी हूँ। इसका मतलब यह कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुमसे डर भी नहीं। तो लो फिर पियो, ये जो थोड़ा सा फासला बाकी रह गया है ये भी तय हो जाए। और अगर मैं अभी ना पीऊं तो मैं जबरदस्ती पिलाऊंगा। कभी कभी तुम भूल जाते हो, तुम्हारा सामना किटी से है जो कदम कदम पर तुम जैसों से टकरा चुकी है। तो आओ फिर हो जाए एक और टक्कर, देखें इस टक्कर में कौन जीतता है। हेलो पियो। पियो पी भी दो। ये जरूरी नहीं कि तुम सबको बता दो कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, यहाँ शरीफ लोग ही रहते हैं। जी हाँ, इन सब शरीफों का नाम तो उस दिन मैं डायरी में देख चुका हूँ। बेहतर यही है मिस्टर के यहाँ से चले जाओ। ये रूम मिस किटी का है, तुम यहाँ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा तो डार्लिंग तुम ही इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाए, दरवाजा खोलकर अंदर आए थे दरवाजा बंद करके चले जाए। देखो राकेश, मैं अपने सामने किसी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता,
समझे? सुन लिया डार्लिंग, अच्छी खासी लड़की को औरत बना दिया, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई चांस नहीं। आहिस्ता डॉक्टर आहिस्ता, बुढ़ापा आ रहा है, कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करो। गुड, अब हुआ बराबर का मुकाबला। पकअप ब्रेक, पकअप डॉक्टर। ये सब क्या हो रहा है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर हम लोग आपस में इतना लड़ मरेंगे तो खूनी का पता कैसे चलेगा? जाइए अपने अपने कमरे में, चले जाइए, जाइए। किटी, इनसे जरा बचकर रहना। चले कहां? आप पहली बार मेरे कमरे में आए हैं, बैठो तो सही। यंग मैन, यंग मैन, बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही हो? नो मिस्टर शर्मा, मैंने जो देखा वही कह रही हूँ। आपने जिस ताकत से रेक और डॉक्टर को अलग किया, कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है आपकी उम्र का आदमी। दरअसल मेरी आदतें बचपन से ही खराब हैं। जी, मुझे वर्जिश करने का बहुत शौक है। शायद इसलिए उम्र घटती जा रही है और ताकत बढ़ती जा रही है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स किटी। आपके मजबूत हाथों का कमाल देखकर सोच रही हूँ आपसे दोस्ती कर ली जाए। अगर मुझ पर कोई वार करे तो बचने का चांस तो हो। व्हाई नॉट, एक दूसरे की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। मैं पूछता हूं तुम यहां क्यों आए हो? मैं ये पूछने आया हूं कि धर्मदास की मौत कैसे हुई। ये तो मैं बता ही चुका, किसी मजबूत हाथों ने उसका गला घोंट दिया है। डॉक्टर, गला घोंट देने से लाश का रंग नीला नहीं हो जाता? व्हाट? यही कि धर्मदास की मौत गला घोंटने से नहीं हुई, बल्कि उसे जहर दिया गया है। झूठ, मैंने खुद लाश की जांच की। मैं डॉक्टर हूं, धोखा नहीं खा सकता। तुम डॉक्टर हो तो मैं भी क्रिमिनल लॉयर हूं, 15 साल से बैरिस्ट्री कर रहा हूं, कई मुजरिमों को फांसी पर चढ़ा चुका। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि खूनी हम में से ही एक है। चाहो तो एक बार धर्मदास की लाश को फिर से देखाओ, गुनाह अपने आप कह देगा कि गुनहगार कौन है, समझे? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या किसी से सुना हो गया? कुछ कहिए तो सही। धर्मदास को किसने मारा? जो मर गए हैं उनकी फिक्र करने से क्या फायदा? जो बच गए हैं उनकी फिक्र कीजिए। ये पुरानी हड्डी ठीक बोल रही भाई, दूसरों का रोना क्यों रो रही? अपनी जान की फिक्र करो, तुम्हें तुम्हारी करो, इनकी करो, मेरी करो। जाओ जाओ अपना काम करो। मेरा काम बड़े जोरों में चल रहा है, तुम्हें फिक्र मत करो। मेरे मौला। शर्मा जी, इस बटलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसके बारे में सोचना बेकार है, ये बेचारा क्या कर सकेगा? वो तो ठीक है, लेकिन कोई तो है जो सब कुछ कर रहा है। कोई तो है जरूर। कुछ समझ नहीं आता कि खूनी तक पहुंचा कैसे जाए। खूनी तक पहुंचा कैसे जाए? मेम साहब, बावर्ची खाने में क्या कर रही तुम्हें? मैं तो ये पूछने आई थी कि तुमने खाने के लिए क्या बनाया है। खाने के लिए तो मैं बनाया हूँ खट्टे झींगे की कड़ी और चावल, लेकिन हाथ तुम्हारे लिए दिल तल को रखा। दिल?
शट अप यू काला आदमी। जय मेम साहब, काला किसको बोल रही तुम्हें? अगर हमारा काला रंग तुम्हारे गोरे रंग पर आया तो तुम्हें लोग उसे खूबसूरती का टिक्का बोलते, ब्यूटी स्पॉट बोलते। अगर तुम्हारा गोरा रंग हमारे काले रंग पर आया तो हमें लोगों से बीमारी बोलते, कोड़ बोलते। Shut up, you फरेबी। अरे वारे मेरी जिलेबी, तू है हर गाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, हमें ख्यालों में काम चला लेंगे। ख्यालों में हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, आए तेरे ख्याला तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, आए तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जाते ही तंदाना, क्यों पास ना आते ही तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, तुम्हें किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास ना आते ही तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झूम तक ताली तक जम तक दला अंग तक झुक तक ताली के नक तक नक तक झूम तक नक नक झूम तक नक नक झूम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ताली झम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के झम तारी जग तारी जग नक नक ता झन ता झूम ता झन ता झम तारी जग तारी जाने जाने को ता झन ता झूम ता झन ता ताक दंग कर दम ताली तक दम ताक दंग कर दम पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है क्या।
दीवाना सूरज से अजीब है तंदाना पर फिर भी नसीब है तंदाना ये तेरे खरीब है तंदाना हमें माना गरीब है तंदाना सूरज से अजीब है तंदाना पर फिर भी नसीब है तंदाना ये तेरे खरीब है तंदाना हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं सारा खाना खराब हो गया ना भाई अब ये मैं मुफ्तखोरों को खाना कैसे खिलाऊंगा कैसे आनंद एक बात पूछूं पूछो मुझे यकीन है मैंने तुम्हें जिस रूप में देखा है वो तुम नहीं हो तो इस बात का यकीन भी कर लो जो तुम समझ रही हो मैं वो भी नहीं यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो कौन हो तुम आपको मेरे तारुफ की जरूरत क्या है मैं वही हूँ जिसे आपने डांटा था कभी मजाक मत करो जहां जो वक्त हंस के निकल जाए अच्छा है आओ बाकी अब जिंदगी में रखा ही क्या है जिंदगी से लेकर मौत तक डर ही डर है जब यहाँ आए थे तो डर नहीं लगा डायरी सुनने के बाद भी कोई ज्यादा खौफ नहीं था सोचा ज्यादा से ज्यादा जान ही चली जाएगी ना चली जाए मगर अब मेरी सोबत में डरपोक हो गई हो नहीं आनंद अब मैं मरना नहीं चाहती मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ घबराओ मत मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा मगर यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं लगता है मौत की इस बस्ती में जिंदगी खुद खुद के दम तोड़ देगी मौत को खबर है कि आशा तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक दीवार है जिसका नाम आनंद है समझी आओ बंबई छोड़ते वक्त किसने सोचा था कैसी बातों का शिकार होना पड़ेगा यहां जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक है और ताज्जुब नहीं कि एक दिन इत्तेफाक से हम लोग यहां से बच कर भी निकल जाए न जाने वो दिन कब आएगा अरे अगर ना भी आया तो क्या हुआ जीना है तो साथ साथ मरना है तो साथ क्या हुआ कुछ नहीं मैं जरा ऐसा करो तुम घर चलो तुम कहीं जा रहे हो हाँ जरा देखूं तो सही के कौन कहाँ है क्या कर रहा है तुम चलो किटी अरे तुम किटी कहाँ है साहब किट्टा बैठा है यहाँ पे आपको गलतफहमी हो गई है मैं धो धो के सुखा रहा हूँ
जो साहब हूं ना आदमी मैं समझदार। अल्लाह मौला जब देखो तब अपे ओहो साहब एक बात बोलूं मैं आपको। बोलो। ये दारू पीना आप छोड़ दो, बड़ी कुत्ती चीज है। कभी चक्की भी है या यूं ही गाली दे रहे हो इसे? आप क्या बात कर रही हैं आप? जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा बाप बहुत जोरों में लगाता था इसको साहब, इसीलिए तो मेरे जिस्म में खून की जगह दारू भरा है। इसीलिए दारू का रंग भी है। अल्लाह इधर आइए जल्दी आइए। ये डॉक्टर क्यों बला फाड़ के चिल्ला रहा भाई? शर्मा जी को किसी ने मार डाला है, शर्मा जी को किसी ने मार डाला है। किशन, धर्मदास और शर्मा जी, लगता है उस डायरी का एक एक लफ्ज सच है। खत में लिखा है शर्मा जी की मौत पर अफसोस मत कीजिए, क्योंकि शर्मा ही सेठ सोनलाल की मौत का प्लानर था। समझ में नहीं आता, हमारे सिवाय यहाँ कोई और है भी तो नहीं। अब दो मेन साहब रह गए और तीन साहब, ये तीन साहब में से वो तीन साहब को किसी एक साहब ने मारा, उतार। चौथे तुम भी तो हो सकता है तुमने भी। क्या बोल रही मैम साहब तुम्हें? अगर मेरे को सबको मारना होता तो खाने में रत्ती भर जहर मिला के सबको एक साथ नहीं सुला देता मैं। हो सकता है तुम्हारे पास जहर ही ना हो। अच्छा बोले तुम्हें, सारे लोगों के लिए मैं वहां से खाना लेकर आया, दूध पिलाने के लिए दो दो भैंसा लेकर आया और मैं आधा तोला जहर नहीं ला सकता था। जय मेरे पर शक न करो, तुम्हें पहले के तीन खाना खाओ को मरें, बाकी के पांच भूख के मरेंगे। खाना नहीं बनाऊंगा उताज, शक न को करो मेरे। ये तो मजाक कर रही है, तुम क्या किसी का खून करोगे? जाओ खाना ले आओ। अच्छा मजाक कर रहे भाई, वाह वाह वाह, खाना बना नहीं, बनेगा तो लेके आऊंगा। मिस्टर आनंद, आपने ठीक कहा, हो ना हो उन्हीं हम में से एक। यू मीन तो आनंद या डॉक्टर? हो सकता है। हम तीनों को एक दूसरे कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, जिसके पास जो भी हथियार मिले समुद्र में फेंक दिया जाए। आप खुशी से मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास भी कुछ नहीं, आप बड़े शौक से मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। कमरे में से क्या मिलेगा फिर? कहां से मिलेगा? शर्मा जी की मौत किस चीज से हुई? जवाब नहीं दिया। शर्मा जी की मौत किस चीज से हुई? क्या मतलब? मतलब यही कि जिस कुल्हाड़ी से शर्मा जी की मौत हुई वो तुम्हारे पास थी। ये सब झूठ है, मेरे पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है। मिस्टर राकेश, कुल्हाड़ी छुपाते हुए तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। चोर चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए तो नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। खामोश क्यों? जवाब दो मिस्टर राकेश। ये मान भी लिया जाए कि यह सच है तो मैं पूछता हूं कि धर्मदास की मौत कैसे हुई? कुल्हाड़ी से नहीं, उसे जहर दिया गया था और वो जहर सिर्फ डॉक्टर के पास मौजूद था, जिसकी खाली शीशी उसी रात उन्होंने उगलदान में छुपा दी थी। ये झूठ है, मैंने किसी को जहर देकर नहीं मारा, वैसे मेरे पास जहर था जरूर। इसी तरह मैं भी कहता हूं कि मैंने शर्मा का खून नहीं किया, वैसे मेरे पास कुल्हाड़ी थी जरूर। क्यों रे, गम गलत कर रहे हो? नहीं, गलत काम कर रहा हूं। भला मुझे किसी की बात का क्यों गम होने लगा? तो फिर क्या शर्मा जी की मौत का गम कर रहे हो? कैसी बातें करती हो, तुम्हारे जीते जी तो मैंने अपनी मौत का गम नहीं किया। What? तुम तो जिंदा हो सिर्फ देखने में, मर तो मैं उस वक्त गया था जब तुमने राकेश को रेक बना दिया था। यू आर वेरी वेरी विटी। थैंक यू मिस किडी, लेकिन तुमने अभी तक मेरे प्यार को जाना नहीं, दिल से मुझे अपना माना नहीं, और तुमने भी किसी को पहचाना नहीं। हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात,
इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के बनाओ रंग रंगीली और मान लो जो कहे किसी के लिए, गम छोड़ के बनाओ रंग रंगीली और मान लो जो कहे किसी के लिए। मैं तस्वीरें ले रहा हूँ। क्या ले रही? तस्वीरें। मेरी भी लो ना। क्यों? मेरी बहन खुश हो जाएंगी। कैसे? मेरी बहन ने मेरे लिए एक पोटी देखी। पोटी? ओ, छोकरी। ये तस्वीर उसको भेजूंगा तो उन्हें मेरी शादी करा डालेंगे उतार। कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारी तस्वीर खैंच भी लूं तो कैमरे में रहेगी। क्यों? यहाँ डेवलपिंग और प्रिंटिंग के लिए कोई दुकान नहीं। साहब, ये डेवलप और प्रिंटिंग क्या होता साहब? फिल्म की धुलाई। या अल्लाह, फोटो खींचने बाद धोना भी पड़ता है क्या? क्या हंगामा है भाई। मान लो अगर धुलाई की जरूरत ना भी पड़े, मगर तुम तस्वीर अपनी बहन को कैसे भेजोगे? ना तो यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है और ना ही कोई पोस्टमैन। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि पहला जमाना अच्छा था, परिंदे आते थे, खत ले जाते थे। आप ठीक बोलते हैं साहब। लेकिन साहब, पहले जमाने में ये डब्बा कहाँ था साहब? आप ठीक बोलते हैं साहब। अल्लाह। बटलर। हाँ साहब। मैं पीऊँ क्या था? आप पियो। बटलर, बंबई में क्या करते थे? मैं? हाँ। बंबई में भी मैं बटलर था साहब।
वहां थोड़ी कोई मैं हिटलर था। यहां कैसे आए? यहां मैं बोट में आया था। अकेले? नहीं साहब, दो भैंसा मेरे साथ में आए। वो बोट वाला क्या किया मालूम साहब? वो मेरे को उतारा, दो भैंसा को उतारा, सामान और खोरा को डाल को फेंक डाला और मेरे को छोड़ो चला गया। वैसे तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन हो सकता है? क्या साहब, इतनी सी सिगरेट पिला के मेरे को फंसाना मांग रही क्या? अरे नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था यार के... वैसे भी मेरे को नहीं मालूम कौन कातिल। जय साहब, वो तुम्हारी पोटी आ रही, अब तुम्हें तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। उतार। अरे ये भीगे भीगे कपड़े, ये बिखरे बिखरे बाल, लगता है मेरी तलाश में हवा और पानी दोनों का काफी सामना करना पड़ा है। तब जाकर तुम मिले। आनंद, एक खबर सुनाने आई हूँ। क्या? राकेश और किति शादी कर रहे हैं। इम्पॉसिबल। अगर यहाँ शादी हो सकती ना, अभी तक तुम कुंवारी होती और ना मैं कुंवारा होता। ना तो यहाँ कोई मस्जिद है, ना मंदिर है और ना कोर्ट है, यहाँ शादी का कोई चांस नहीं। हाँ, रोमांस हो सकता है, शादी के वादे हो सकते हैं। वादे नहीं आनंद, उन्होंने फैसला किया है कि बॉम्बे जाकर वो शादी कर लेंगे। अगर यहाँ से जिंदा बच के निकल गए तब ना, कौन जाने आज रात किसकी बारी है, कौन मरता है आज की रात। आनंद, ये भी तो हो सकता है कातिल खुद राकेश हो, इसलिए उसे यकीन है कि वो यहाँ से बच के निकल जाएगा, और शायद इसीलिए किटी भी लापरवाह रहती है। वो भी मर जाएगा, उसे भी मार डाला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? कौन मारेगा? तुम्हारा इशारा डॉक्टर की तरफ तो नहीं है? ऐसा लगता है सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। ऐसा मत कहो आनंद, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, सेठ सोहनलाल की भतीजी पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, अगर वो मर गई तो जायदाद का क्या होगा? तुम नहीं मर सकती आशा, तुम नहीं मर सकती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम। हाँ मैं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर मुझ पर विश्वास हो तो मेरा इंतजार करना, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, एक पहेली है, और जिस दिन ये पहेली सुलझेगी उस दिन तुम। जोर से पियानो बजा रही हो, इस आवाज में मौत की आवाज को दबा देना चाहती हो? मौत तो एक पुरानी कहानी है,
जो हम सबके लिए नहीं बन के आती है। ये सब कहाँ चले गए हैं? कई बार कहा, कहीं जाओ तो हमें बता के जाओ, मगर यहाँ किसी पर असर ही नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। तो डॉक्टर भी खत्म हो गया। मरते मरते डॉक्टर की जुबान पर आनंद का नाम था। मुझे तो पहले ही शक था, मरते मरते डॉक्टर ने यह उलझन भी सुलझा दी। अब ये ना पूछना कि डॉक्टर को किसने मारा है, मरने वाले की जुबान पर तुम्हारा नाम था। ये झूठ है। हमारी बात का यकीन ना हो तो आशा से पूछ लो। डॉक्टर आनंद कहते कहते मर गया। हो सकता है डॉक्टर ये कहना चाहता हो कि आनंद नहीं, खूनी राकेश। हो सकता है डॉक्टर मुझे बुला के कुछ और कहना चाहता हो। तुम अपनी बातों के जाल में उलझाकर अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। ये साफ जाहिर हो चुका है कि खूनी तुम हो, कातिल तुम हो। तुम कहते हो कि मैं कातिल हूं, मैं कहता हूं कि तुम कातिल हो। इसका फैसला तो एक और लाश के बाद ही होगा। Thank you.
से इस कमरे में आ गई। ये मेरा कमरा है। मुझे यहाँ थोड़ी देर रहने दो किटी, मुझे डर लग रहा है। आनंद अपने कमरे में नहीं है? नहीं, मैं उसी की तलाश में गई थी, मगर वहाँ हॉल में नहीं, मैं नहीं बता सकती किटी। वो डॉक्टर की लाश, दास, शर्मा जी, जैसे सब मुझे घूर रहे हो, कह रहे हो तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। मौत से डर लग रहा है? यहाँ तो खुद जिंदगी मौत से भयानक है। लो इसे पी लो, ये डर की दुश्मन है। नहीं किटी, मैं शराब नहीं पी लो ना। मर्दों की बस्ती में मुर्दा बनकर नहीं जिया जाता, और फिर यहाँ तो जिस पर शक करो वही मर जाता है, मगर ये ये मरकर भी नई जिंदगी देती है। पी लो। नहीं, पी नहीं, लो ना। नहीं, पी नहीं, लो। तुम? हाँ, मैं। और तुम? हाँ, मैं। पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में, पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में, एक नया रंग जमा देंगे हम इस महफिल में, पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में, एक नया रंग जमा देंगे हम इस महफिल में, पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में। आग से आग बुझा देंगे हम इस महफिल में, एक नया रंग जमा देंगे हम इस महफिल में, पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में। इसमें थोड़ी सी शराब बाकी है, पियो। पीती क्यों नहीं? मैं कहता हूं पीती क्यों नहीं? तुम में और किटी में थोड़ा सा फर्क बाकी है। नाराज हो गए? थोड़ी सी तुम भी पी लो, आशा और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए किटी, तुमने इसे भी जहर पिला दिया। घबराओ मत, मैं मरूंगी नहीं, और मर भी गई तो तुम्हारी बला से। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? किटी, किटी ये आनंद है ना, आनंद मुझसे बहुत प्यार करता है,
बहुत मोहब्बत करता है, मगर उसकी असलियत कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। अच्छा क्यों, सच अच्छा नहीं लगा? बात बात पे झूठ बोलने वाले को सच क्यों अच्छा लगेगा? तुम चले जाओ आनंद, चले जाओ, अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ तुम शराब नहीं पियोगी। क्यों, ये शराब तुमसे ज्यादा कड़वी नहीं है, मैं पियूंगी। मैं कहता हूँ नहीं पियोगी। पियोगी, 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 पियोगी। काफी परेशान नजर आ रही, मालूम होता है रात भर सोई नहीं। वैसे कल जो भी हुआ वो सब किटी ने मुझे बता दिया है। मेरे ख्याल में आनंद को, आनंद को देखा है आपने? बस उसी को देखना बाकी रह गया है, बाकी तो सब। जी क्या कह रहे हैं आप? यही कि वो अब हमारे सामने नहीं आएगा। साबित हो चुका है कि आनंद ही खूनी, उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। किटी को मैंने खबरदार कर दिया है और आपसे भी कह रहा, अकेले कहीं मत जाइएगा। मेरा दिल तो पहले ही डर रहा है, किटी अपने कमरे में नहीं है और आनंद का भी पता नहीं। किटी अपने कमरे में नहीं? Yeah.
किसी ने किटी को भी मार डाला। किसी ने नहीं, आनंद ने। वो देखो, खूने का इंतजार कर रहा था, नहीं आया। उसने मेरी किटी को मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे इंतकाम की आग तुम सबको जलाकर खाक कर देगी। आगे मत बढ़ो राकेश, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आगे मत बढ़ो, मुझे जाने दो। यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से हर रास्ता मौत की तरफ जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मरना तो है, तो फिर प्यासा क्यों मरा जाए? आ, मेरे पास आ। आज तुम नहीं, मैं नहीं। मुझे जाने दो, जाने दो राकेश, जाने दो राकेश। राकेश नहीं, रेक कहो डार्लिंग। किटी मुझे रेक कहा करती थी, अब तुम किटी हो और मैं रेक। Thank you.
अंजान, सब उसके फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंचे। शर्मा जी, शर्मा जी आप तो मर चुके थे ना। अभी ना। मेरी मौत तो सिर्फ दूसरों को धोखे में रखने की एक चाल थी। जब मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा राज खुलने ही वाला है, आनंद और किटी को मुझ पर शक हो ही गया है, तो मैंने डॉक्टर को अपना राजदार बना दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि खूनी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक तरकीब है, खूनी तक पहुंचने के लिए क्यों ना हम एक चाल चले। चाल? हाँ, मैं अपने आप को जख्मी कर लूंगा और आप कह दीजिएगा कि मैं मर गया हूं। आप डॉक्टर हैं, आपकी बात पर सब यकीन कर लेंगे। फिर? और मैं अपनी मौत के बाद छुपके से असली खूनी की तलाश करूंगा। वेरी गुड। और फिर डॉक्टर ने मेरी जिंदा लाश को मुर्दा साबित कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने उसे ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ उससे ही डर था। वो बेवकूफ किसी वक्त भी मेरी असलियत जाहिर कर सकता। मगर अभी तो आपकी असलियत जाहिर हो चुकी है। मेरी असलियत जानने के बाद अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। शायद इससे बहुत पहले तुम मौत से मिल चुकी होती, मगर मेरी एक तमन्ना थी। मेरी भी एक तमन्ना थी शर्मा जी। आनंद? इंस्पेक्टर आनंद कहिए। बहुत दिनों से आपकी तलाश थी, आज मिले। आज नहीं मिलाइएगा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम सीआईडी इंस्पेक्टर हो तो मैं तुम्हें पहले आप मुझे भी मार देते। मैं भी मरता था, लेकिन शर्मा जी, अगर मुझे ये पता होता कि शर्मा शर्मा नहीं फरार मुजरम मदलाल है तो स्टॉप दैट। अगर मुझे ये पता होता कि इंसान के भेष में एक वैशी है, एक कातिल है, शायद मेरे होते हुए तुम 5 जिंदगी से ना खेल पाते। मौत का दूसरा नाम मदन लाल है इंस्पेक्टर, उन सबको मरना था और मेरी भी तो मरना था। मैं सब जानता हूं मदन लाल, खन्ना ने सिर्फ शेख सोहन लाल को मरवाया, मगर तुमने खन्ना उसके 5 साथियों को खत्म कर दिया। मदन लाल, तुम्हारे चेहरे से नकाब उसी वक्त उठ जाता जिस वक्त तुम किटी को मार के भाग रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था, राकेश मेरे पीछे भाग रहा था। तुमने नई चाल चली, तुम वहां भी बच गए, तुमने धुआं फैलाया। Thank you.
इंस्पेक्टर, पहचाना मुझे? मैं हूं मदन लाल। और ये आशा। एक गोली बची है। न जाने छह खानों में से किस खाने में है। एक गोली और आदमी दो, देखें अब किसके हिस्से में आती है। इंस्पेक्टर, मदनलाल से टक्कर लेने से पहले सोच लिया होता। मदनलाल पहले छह खून कर चुका है और अब सातवां। इसमें सिर्फ एक गोली है, सिर्फ एक गोली। अब देखता हूं मौत तुम दोनों में से किस पे पहले मेहरबान होती। मेहरबानी का लफ्ज तुम्हारी जबान पर, एक खूनी की जबान पर, एक कातिल की जबान। हाँ, मैं कातिल हूं, मैं खूनी हूं, लेकिन मुझे कातिल बनाया किसने? मुझे खून करने पर मजबूर किसने किया? किसने? सोहनलाल, खन्ना और उनके साथियों ने। हम तीनों पार्टनर थे, जानते हो किस बिजनेस में? स्मगलिंग के बिजनेस में। इस बात का तुम्हारे खूनी होने से क्या ताल्लुक? एक बार पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, जेल की चार दीवारी में सोहनलाल और खन्ना ने मुझे यकीन दिलाया अगर मैं जबान बंद रखकर अपनी सजा काट लूं तो मुझे वापस आने पर मेरा हिस्सा मिल जाएगा। मगर जानते हो मुझे उन लोगों से क्या मिला? उन लोगों ने मेरा हिस्सा ही नहीं लूटा, मेरी मासूम बहन की इज्जत भी लूट ली। उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली और वो मर गई। अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली, वो मर चुकी है, इसकी खबर तुम्हें जेल में किसने दी? मेरे भाई ने। लेकिन इससे पहले कि मेरा भाई खन्ना का कुछ बिगाड़ सके, खन्ना ने उसे भी खत्म करवा दिया। खन्ना बहुत ही जलील इंसान था, दौलत का अकेला मालिक बनने के लिए उसने सोहनलाल को भी रास्ते से हटा दिया। इसी महीने की 13 तारीख को तुम जेल से भाग निकले, 13 तारीख की रात को तुम खन्ना के घर गए और उसे खत्म कर दिया। सब कुछ जानते हो इंस्पेक्टर। इसी महीने की 24 तारीख को प्रिंसेस क्लब के सिल्वर जुबली के मौके पर तुमने 5 आदमियों को लकी टिकट दिलवाया ताकि वो तुम्हारे प्रोग्राम के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर मौत की इस बस्ती में पहुंच जाएं। बेशक वो 5ों आदमी खन्ना की साजिश में शरीक थे, मगर वो एक दूसरे से अनजान थे। मगर तुमने इन सबको चुन चुन के बेरहमी से मार दिया। मार डाला था, 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 था। वो मुझे इन कानून की नजर से बच सकते थे, दुनिया की नजर से बच सकते थे, मगर मेरी इंतकाम की आग से नहीं बच सकते। फिर बच गए, मगर तुम नहीं बचोगे मदनलाल, तुम हम दोनों को मार दोगे। मगर हमारे अलावा यहाँ कोई और भी रहता है। कौन? बटलर और उसकी बहन? तो तुम जानते हो? जानता हूं उस आत्मा को, उस नीम पागल लड़की को जो गाना गाती है। वो बटलर की बहन है। मेरी उससे नौकरी की शर्त थी कि वो यहां अकेला आएगा, मगर वो बेवकूफ अपनी बहन को अपने साथ छुपा कर ले आया मेरे डर से। इस बार भी गोली नहीं चली। अब 5वीं बार। हो सकता है गोली इसी खाने में हो इंस्पेक्टर। आखिरी बार अपनी महबूबा को देख लो, शायद ये घड़ी फिर पलट कर ना आए।
कितनी खुशकिस्मत हो, अब तो फैसला हो ही गया है। ये गोली तुम्हारी किस्मत में ही है। लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं हूं, एक बार तुम्हें भी अपने महबूब को देखने का मौका जरूर दूंगा। गुमनाम बदनाम कर रही भाई, आइंदा अगर तुम ये गाना गाएंगे तो धतूरा खिला डालूंगा, उठा हल्लक से आवाज ही इतनी निकलेंगी। गुमनाम है कोई अल्लाह, बदनाम है कोई किसको खबर, कहाँ है वो दाढ़ी वाला, कौन है वो, बदनाम है कोई।